महाराष्ट्र में 50-50 फॉर्मूले को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार कम होती नहीं दिख रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री जब यह कह रहे हैं कि 50-50 के फॉर्मूले पर बात ही नहीं हुई तो बात किस पर होगी। इधर बीजेपी के विधायकों की भी बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शिवसेना नेता भी आज मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एनसीपी के नेताओं की भी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में सवाल उलझ गया है कि कौन होगा मुख्यमंत्री और कितने दिन के लिए होगा। फडणवीस कह रहे हैं कि उनके सामने 50-50 की कोई बात ही नहीं हुई, जबकि शिवसेना कल से बोल रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, सबके सामने बात हुई है। मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री ने जहां दिवाली भेंट के दौरान एक बार फिर से यह बात दोहराई कि अगले 5 साल तक वही मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं शिवसेना नेता ने दोबारा से 2.5 सालों तक मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रही है। हालांकि शाम होते होते मुख्यमंत्री ने अपने बयान में नरमी बरती और यह कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख के बीच की बातचीत की उन्हें जानकारी नहीं है। मामले की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले हुई बीजेपी शिवसेना बैठक से हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने बराबर जिम्मेदारी बांटने की बात कही। वहीं अब दोनों खेमों में पर्दे के पीछे जोड़ तोड़ शुरू है। शिवसेना और बीजेपी जहां निर्दलीय विधायकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती नजर आ रही है, तो वहीं कोई भी पार्टी एनसीपी के खिलाफ नहीं बोल रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि उन्हें एनसीपी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।